दोस्तों राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको गीता का 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का वर्णन करूंगा। तो ध्यान से सुने और पूरा पाठ सुनने सुनकर श्री भागवत गीता के इस पाठ का आनंद लें और धर्म लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा, समता, तृष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु तथा मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रकृति प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा जैसे पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्राह्मण के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए?
हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से और अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना मैं ही हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों में राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, वसुओं में अग्नि और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों का मैं कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृंगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च सर्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समान उत्पन्न हुआ था, समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जानवरों जलचरों में वरुण देव हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों में निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तिराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में मैं काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वाले वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार और संवादों में मैं द्वंद्व समान समास हूँ और शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में ब्रह्म साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु में ही हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, विजय में विजय हूँ, साहस साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वृष्टि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मनुओं में व्यास तथा महान विचारकों में उस्वान हूँ, उष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और विजय में विजय के आकांक्षी हैं उनकी नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मेरे परम तप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है।
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्धत हैं, किंतु हे अर्जुन, सारे विश्व विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो दोस्तों, ये 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य आपने सुना, आपको भी भगवत ज्ञान सुनने में बड़ा आनंद आया होगा। आगे भी मैं इनके जो बाकी अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता के सुनाता रहूँगा। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो मिल सके। तो विदा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय जय श्री राम।